सरोकार। लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी, मेरे आत्मनिर्भर भारत के विजन का उड़ा था मजाक। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशी राजदूतों के साथ गुजरात में नवरात्रि समारोह में हुए शामिल। सरकारी प्रयास मात्र से साफ रखना संभव नहीं है, जन भागीदारी से ही स्वच्छ होगी गंगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर के बीच होगा मुकाबला, केंद्रीय त्रिपाठी का नामांकन रद्द। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर सौरभ गांगुली ने दिया बड़ा अपडेट, बोले कुछ दिनों में होगा साफ। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार की पूजा करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वीडियो विश्वकर्मा पूजा के दिन का है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में टीम का गठन करके साइबर ठगों और जालसाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि ठगी के आरोपियों ने मेदांता अस्पताल में उपचार कराने के नाम पर पीड़ित से 10,000 रुपए मांगे। वहीं साइबर क्राइम और आलमबाग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की रकम और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। हरदोई में मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल से मासूम गिर गया, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन गिरने के बाद बच्चा फौरन ही उठ खड़ा हुआ, जिसके बाद परिजन उसे लेकर आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की जांच में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित निकला। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा है। अरमान नाम का बच्चा जो जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल है, वो पता लगा कि वो ऊपर से छत से कहीं गिरा हुआ है, लेकिन हालत बहुत ठीक है एकदम, और भर्ती हुआ हुआ उसका इलाज चल रहा है, कंडीशन ठीक है। खबर औरैया से है, जहां ताराघर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों शिक्षकों के साथ हिस्सा लिया, जिसमें सहायक अध्यापिका के साथ चेयरमैन प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सबसे पहले सौर मंडल दिखाया गया, जिसमें ग्रहों की उपस्थिति भी समझाई गई। आपको बता दें कि बच्चों ने अपने देश भारत की उपस्थिति को भी जाना। उन्होंने बच्चों को सौर मंडल, तारा मंडल और ग्रहों के नजदीक से देखने को लाभ बताए। हमने अपने स्कूल में ये जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है सौर मंडल के लिए, ताकि वो बच्चों को पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर ही वो विजुलाइज कर पाएँ, देख पाएँ कि किस तरीके से पूरा सौर मंडल जैसे काम कर रहा है। एक जो पढ़ाना है, फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा पहले करे फिर उसको सीखे, तो वो उसको विजुलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। आज की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्टीम बेस्ड लर्निंग होती है, हमारे स्कूल में स्टीम लैब भी है, तो उसके बेसिस पर हम बच्चों को पहले टेक्नोलॉजी बताते हैं कैसे वो विजुलाइज करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया, एंड इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, शुरू से लेकर केजी से लेकर 12th तक के सारे जो बच्चे हैं वो इसको अटेंड कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को। 21st सेंचुरी, जो 21वीं शताब्दी के जितने कौशल हैं वो हम अपने बच्चों में जो वो विकसित करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ करा। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में झूले की एक ट्रॉली टूटकर नीचे गिर पड़ी। बता दें कि इस ट्रॉली में एक ही परिवार के 4 सदस्य सवार थे, चारों को गंभीर चोट आई है और झूला टूटने के बाद रामलीला मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में झूला टूटने से 3 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद चारों घायलों को जिला MMG अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। टिकट लिए, टिकट लेके हम झूले में बैठे और झूला पहले से टेढ़ा था, और फिर हम उसमें बैठे थे, मैंने कहा कि तुम भैया ये टेढ़ा झूला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाओ। हम बैठ गए,
और फिर झूला एकदम कट जैसे भी हुआ था, और हमने जब भी कहा था जब झूले वाले ने झूला नहीं रोका, फिर हम गिर चुके थे, फिर जब भी उन्होंने झूला नहीं रोका, फिर बाद में जाकर जब सब भागा दौड़ी हुई है जब जाकर उन्होंने झूला रोका। बच्चों को लेकर गए थे मेले में घुमाने के लिए, घंटा कर रहा था, बच्चे घूमे फिर थोड़ा अपना, फिर आगे जाके झूले के लिए करने लगे, झूले की टिकट वगैरह ली वाइफ ने और वाइफ की बहन ने, ये दोनों बैठी, इन दोनों ने बच्चों को बच्चे के लिए कहा, तो झूले वाले ने बोल दिया कि बैठा लो कोई, इन्होंने कहा भी उनसे कि मुझे बता दी थी बाद में आगे कि वहाँ पर झूले झूलते समय एक झूला निकल गया था और उसमें तीन चार लोग घायल भी हुए हैं। तो इसके बारे में संबंधित SHO से बात की है और जो मेला जोनल प्रभारी है उससे बात की है, तो संज्ञान में है कि इससे पहले सभी जो डिपार्टमेंट हैं सेफ्टी मेजरमेंट वाले उनका NOC ले ली गई थी और ये कोई अचानक इस तरह घटना घटी है, तो इसका जाँच करा के इन कारणों से और संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित कर दिया है कि मौके पर जाकर इसको देखें और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। मैनपुरी में यातायात गौ माता के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। आज से अंडर ऑफिसर के नेतृत्व में कई जगह पर अभियान की शुरुआत हो गई, जिससे रोड पर बैठी गौ माता को वाहन चालकों से अपील की गई कि रोड पर बैठे पशुओं को सड़क से पकड़कर गौशाला तक पहुंचाएं, ताकि रोड पर जो घूम रहे बेसहारा पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही गौशाला संचालक से गाय को अपने यहाँ रखने की अपील की गई। गौशाला ऐसे हैं जो किसानों जो किसान होते हैं जो उसकी रात में से रक्षा करते हैं अपनी फसल की, तो कुछ गौशाला ऐसे हैं जो अपने गाय छोड़ के रात में चरा देते हैं, उसके बाद दूसरी गाय फिर बांध लेते हैं, ये करते हैं इन्हीं कामों को, और काफ़ी गाय ऐसी हैं जो एक्सीडेंट के कारण मर जाती। मैनपुरी में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मेला लगाया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ करने कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति ने किया। देश की कई कंपनियों ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। हमारी सरकार ने और विशेषकर हमारे मंत्री जी माननीय जयवीर सिंह जी के प्रयासों से और श्री पवन सिंह चौहान जी जो MLC है इनके प्रयासों से एक बहुत बड़ा काम मैनपुरी के अंदर हुआ है और 12,000 से भी ज़्यादा हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनका भविष्य भी होगा। मैं उनके भविष्य के लिए बधाई देता हूँ। आज 12,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार के अवसर एक धरती पे एक प्रांगण में एक ही दिन में मंत्री चौहान साहब के प्रयास, और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात लगातार ये क्रम प्रतिवर्ष चलेगा। मैं समझता हूँ मैनपुरी की धरती पर बेरोजगारी जब खत्म होगी अपराध भी कम होगा, खुशहाली भी आएगी, तो मैनपुरी पिछड़ा हुआ जिला बीमार जिला से उभर करके विकसित जिला और रोजगार युक्त जिला बनेगा। खबर अयोध्या से है, जहां NH 27 पर दो सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पहला हादसा रायबरेली से रामलला का दर्शन करने जा रहे परिवार हादसे का शिकार हो गया, तो वहीं दूसरा गोरखपुर में मरीज को छोड़कर वापस आ रही एम्बुलेंस DCM से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर सहायक और एक डॉक्टर घायल हो गया। बता दें कि राहगीरों की सूचना पहुंची पुलिस ने, सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तीन चोटिल व्यक्ति अभी सुबह आए हैं, तीनों की हालतें स्थिर है, एक के पैर में टीबिया फ्रैक्चर है। मालूम चला है, जानकारी मिली है कि ये किसी पेशेंट को एम्बुलेंस से छोड़ के गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, जिसमें ये एम्बुलेंस की DCM से इससे टक्कर हो गई है और यही तीन व्यक्ति चोटिल हो गए हैं, जिसमें एक का नाम विक्रम है, एक का विशाल, एक अनुराग है। तीनों को NHAI एम्बुलेंस यहाँ लेके आई। अयोध्या में चल रहे फिल्मी सितारों की रामलीला में पांचवें दिन भगवान श्री राम के वनवास के बाद केवट प्रसंग और चित्रकूट भगवान श्री राम भरत मिलाप का लीला आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल के लिए होने के लिए भाजपा सांसद भोजपुरी स्टार रवि किशन की भूमिका नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। वहीं सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, प्रभु राम के चरणों में पावन धाम से जहाँ पूरे विश्व की निगाह है। रामलीला के आयोजकों के मुताबिक इस बार होने वाली रामलीला से वर्चुअली रूप से 19 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अपने आप को मानता हूँ पिछले जन्म के मेरे कर्म अच्छे होंगे,
जो प्रभु राम के चरणों में ये छोटी से उनके उनके बारे में एक मंचन करूं और देवतुल जनता समस्त भारत की देख रही है। 16 से 18 करोड़ 20 करोड़ लोग रोज इस शो को, इस मंचन को, रामलीला को देखते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। तो हमारा सौभाग्य है कि हम वो बातें जो हमारे हमारी सनातन विचारधारा की थी, हमारे भगवान की थी, हमारे देवी देवताओं की थी, उसको हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कि इसका प्रचार प्रसार सनातन विचारों का अब लोग खुल कर कर रहे हैं और पूरा देश एक एकत्रित होके एक विचारधारा के लोग संगठित होके अब इसका स्वागत। बिजनौर में विजयदशमी के अवसर पर रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि मुस्लिम परिवार करीब 3 दशकों से पुतलों को बनाने का काम करता आया है, तो वहीं एक बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही 5 अक्टूबर को श्री राम लीला समिति के नेतृत्व में रावण का पुतला दहन किया जाएगा। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कर्मचारियों ने कॉलेज के गेट पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कर्मचारियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे न मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन करने को बाध्य हैं। आहुति इसलिए दिया है कि हमने 10 मांगों को लेकर 15 दिन से बैठे हैं। वो 10 मांगे आपकी क्या क्या थी? हमारी पहली मांगे है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 33% सीट में वृद्धि हो। दूसरी मांगे हैं लाइब्रेरी में नई पुस्तकें हों, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में 1990 की पुस्तकें हैं, इस समय आप सब देख सकते हैं कि 2022 चल रहा है। और तीसरी मांगे हैं बालिका छात्रावास बनवाया जाए। चौथी मांगे हैं हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर नियुक्त हों। पाँचवीं मांगे हैं हर MA को अंग्रेजी से कराई जाए। छात्र हितों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव टाइम से कराया जाए, क्योंकि अगले बार भी चुनाव नहीं कराया गया था। बिजनौर में पति पत्नी के झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर में फांसी पर झूल रही महिला को आत्महत्या करने से बचाया, जिसके बाद महिला को सुसाइड करने के समय बचाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस कारनामे की सराहना कर रहे हैं। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी का है। अभी कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली कि मोहल्ला प्रगति विहार कोतवाली नगर क्षेत्र में एक 32 वर्षीय महिला फांसी के फंदे पर झूल गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारे सिविल लाइन्स चौकी प्रभारी गौरव चौधरी और इनके साथ पूरी टीम पहुंची। महिला को तत्काल उन्होंने फंदे से उतारा, उसको मेडिकल एड के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां महिला की जान बच गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं कुलपति के सलाहकार और DSW का छात्रों ने घेराव करते हुए कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने फीस में वृद्धि कर छात्रों की आजादी छीन ली है। इस दौरान एक छात्र ने खुद को जंजीर में बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। पहले से अपने आप को आज बंधक बना के आया था, क्योंकि जिस तरीके से जो है आमरण अनशन को कल उठाया गया है बलपूर्वक, 10 दिन से सब हमारे छात्र नेता वहां पर भूख हड़ताल पे थे, लेकिन उन पर कोई रहम ना करते हुए वहां पर बलपूर्वक लाठी के दम पर उनको उठाकर बेली ले गई प्रशासन, और वहां पर जबरन उनको जो है वहां पर डिटेन किया गया और उनको जो है इलाज कराया गया। आज यहां पर हम लोग ने DSW को बंधक बनाया है और BC के जो सलाहकार माने जाते हैं मनमोहन कृष्णा सर, उनको भी बंधक बना के रखा गया है। और हमारी सीधी मांग है कि आज जो है काउंसलिंग जब तक नहीं रुकेगी, जब तक काउंसलिंग नहीं रुकेगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। सीतापुर के गांव के एक युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन को उसके पति ने गांव के बाहर ले जाकर बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को हालत गंभीर होने पर उसे CSC तंबौर में भर्ती कराया गया, जहां घायल विवाहिता का इलाज किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष की थाने में तहरीर दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पूरा मामला तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम जालिमपुर मंडोर गाँव का है। गाजियाबाद में प्रोविजन स्टोर संचालक ने उसके नौकर के नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी नौकर ने स्टोर संचालक और उनके दोस्त से लाखों रुपए लूट मौके से फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार ने आरोपी नौकर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपित नौकर की गिरफ्तारी में जुट गई है।
कोतवाली क्षेत्र में रामनगर मार्केट है, यहाँ पे इन लोगों की दुकान थी। तो इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि इनके भाई की हाउसकीपिंग की दुकान यहाँ पे रन करते हैं। उनका जो दुकान में काम करने वाला नौकर था, कर्मचारी था, वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो इसके एवज में इन्होंने एक नए लड़के को अपनी दुकान पे रखा, उसी दिन आया हुआ था। तो उसका कोई जाँच पड़ताल या कोई वेरिफिकेशन भी ये लोग नहीं करा पाए। और पता चला कि उसने उनको चाय पिलाई और चाय में कुछ ऐसा नशा दिया कि बेहोशी की हालत में आ गए और उनको बाद में यशोदा अस्पताल में एडमिट भी कराया। खबर अलीगढ़ से है, जहां डीसी कॉलेज में दूसरे समुदाय के युवक के साथ संदिग्ध अवस्था में युवती पाए जाने पर एवीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी छात्र से प्रोक्टर ने पूछताछ कर उसे पुलिस को सौंप दिया। वहीं एवीपीवी के छात्रों ने कहा कि गैर समुदाय के युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा लव जिहाद का काम कर रहे हैं। डीएस कॉलेज कैंपस में पिछले कई लंबे समय से बाहरी छात्र अपना नाम बदल करके कॉलेज कैंपस का उनसे कोई लेना देना नहीं होता और वो दूसरे अन्य कॉलेजों के छात्र भी नहीं होते। बाहर कॉलेज कैंपस से बाहरी स्थानों के तमाम सारे अन्य स्थानों के कॉलेज कैंपस में आकर के युवक अपना नाम बदल करके, अपना नाम हिंदू बता करके और मुस्लिम धर्म से संबंधित होने के बाद हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, यहाँ उन्हें प्रेम जाल में फंसा करके लव जिहाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। बाहरी एक मुस्लिम युवक यहाँ पर आकर कॉलेज कैंपस के अंदर, बाहर के इंस्टीट्यूट का छात्र था, वो यहाँ पर आकर लड़कियों के साथ अलग स्थिति में पकड़ा गया, जिसको लेकर यहाँ के छात्रों ने प्रोक्टरी टीम को सूचना दी। प्रोक्टरी टीम ने पकड़कर उसे प्रोक्टरी ऑफिस में बैठाया, उसके बाद संबंधित थाना गांधी पार्क को उसे सुपुर्द कर दिया गया है। और जो भी लिखित कार्रवाई, हम लोगों ने कहा था कि प्रोक्टरी टीम लिखित कार्रवाई करे, आए दिन ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं जिस पर अंकुश लगाया जा सके। कार्रवाई के लिए जो घटना थी उसको, घटना को थानाध्यक्ष महोदय के लिए आप प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया है आवश्यक कार्रवाई के लिए। जो कॉलेज की छात्राएं थे उनके खिलाफ भी कोई किसी तरह की छात्राओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये आए दिन हो रही हैं घटनाएं और इनको अब ये संदेश साफ होगा कि ये घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ पर उनका निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।